मेरी जिंदगी बहुत अलग होगी, क्योंकि उसमें तुम नहीं होगे। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ऑल लाइट मोशन पे ऐसे लाइटिंग वाला इफेक्ट कैसे बनाना है। तो पहले शुरू करने से पहले ये बताता हूँ, कुछ भी एडिट करने से पहले हमेशा ये सोचना कि वो इमेज के लिए कौन सा गाना या कौन सा टेक्स्ट या साइल वो सब कैसा रहेगा, तब जाके वीडियो अच्छा लगता है। अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मैं यहाँ पे सब कुछ रखा हूँ तो इसलिए बस उसे अभी ओपन करता हूँ। पहले आप फ़ोटो ले आना। इस तरह फ़ोटो के लिए मैं एक दुख भरा डायलॉग भी रखा, क्यों उसके लिए वो अच्छा रहेगा, क्योंकि फ़ोटो को देख के सोचना किस फ़ोटो के लिए कौन सा गाना या डायलॉग कैसा रहेगा। फिर उसके बाद हम गाना सिलेक्ट कर लेना। मैं ये वाला गाना रख दिया, अब से मेरी ज़िंदगी बहुत अलग है। तो उसके बाद हम आएंगे कुछ एडिट करने के, यहाँ पे ये वाला रख देंगे, वहाँ पे कुछ कॉल जैसा कुछ रखने के बाद कुछ अच्छा लगेगा कि थोड़ा यूनिक स्टाइल लगेगा। तब उसके बाद हम एक थोड़ा सा लव वाला सिंबल ले जाएंगे। फिर उसके बाद वो खाली रह जाएगा, तो वहाँ पे जिसके लिए हम बनाए लव लाइफ जो भी हो उस तरह का कुछ हम लिख देंगे। तो लिखने के बाद लाइफ लाइन के लिए हम सेव कर लिए। वो पूरा होने के बाद हम लोग चले जाएंगे, पहले फ़ोटो को कम्प्लीट बनाना, उसके बाद टेक्स्ट बनना कि कैसा अच्छा लगता है, क्या रहेगा। उसके बाद हम टेक्स्ट एडिट करेंगे, ये एडिट करेंगे अब से मेरी ज़िंदगी। तो वहाँ पे हम आएंगे टेक्स्ट के ऊपर, तो यहाँ पे टेक्स्ट हम दे देंगे कि किस तरह रहेगा टेक्स्ट। वहाँ पर आने के बाद कौन सा टेक्स्ट अच्छा रहेगा, कैसे रहेगा, तो जूम करके हम देखेंगे किस तरह का है, क्या है। और लाइट इवेंट के लिए कौन सा, फिर हमेशा वाइट रखना, ब्लैक के लिए वाइट अच्छा रहेगा। उसके बाद यहीं पर जाना, अब जो भी यहाँ पर कोई भी देख के चेक कर सकते हो कौन सा अच्छा रहेगा क्या नहीं। देखें मुझे ये बार अच्छा लगा तो वह रख दिया। अगर यहाँ पे और एक चीज़ है, आप कोई भी फ़ॉन्ट चाहोगे वहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पर आके कोई भी फ़ॉन्ट चाहो वहाँ पे दे सकते हो, बहुत सारा फ़ॉन्ट होता है। उसके बाद आप टिक कर लेना। उसके बाद हम जाएंगे वही फ़ोटो के ऊपर बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर के में जाना होगा। देखो मैं क्या क्या सिलेक्ट किया हूँ, इस बीच वाले में रखना, वहाँ पर आउटसाइड में, हमेशा आउटसाइड में। ये देने के बाद जिस तरह लाइट इफेक्ट का चाहिए तो वो वाला कलर देखें, ठीक है। नीचे की तरफ आ जाना, शैडो, हमेशा शैडो वहाँ पे हल्का सा रखना, जिस तरह का कलरफुल होगा, जैसे लाइटिंग लगे, ठीक है। शैडो हल्का सा देने से अच्छा लगेगा। और या फिर अल्फा थोड़ा सा रखना। और पोजीशन किस तरफ से चाहिए आपको शैडो का इफेक्ट, तो उस तरह का दे देना, तो वहाँ पर क्लिक कर लेना। फिर उसके बाद आप जाना इफेक्ट के अंदर, इफेक्ट के जाने पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ चेंज नहीं करूँगा। सेकेंड वाला जो टेक्स्ट होता है वहाँ पे मैं जाके थोड़ा चेंज कर लूँगा जो अच्छा रहेगा। वहाँ पे भी जाके मैं इस तरह का एडिट में जाके वहाँ पे कुछ एडिट कर लूँगा। जिस तरह का फ़ॉन्ट चाहिए वहाँ पे चेक कर लेना। उसके साथ उसके नीचे वाला ए वाला फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लगा, तो ए वाला फ़ॉन्ट में रख के उसे एक अदरा। उसके बाद वही सेम जैसा बॉर्डर पे जाना। बॉर्डर पे जाने के बाद जो चेंज करने बोला था वो सब चेंज कर लेना, ठीक है। चेंज करने के बाद जो आपका लाइट ही पे देखो किस तरह बदलता है, तो इस तरह रहेगा। तो शैडो भी उस तरह का बदल देना, ठीक है। फिर उसके बाद बैक करके ये हमेशा याद कर कोशिश करना कि ये ऑन रखने के लिए, ठीक है। ये अगर ऑन नहीं रखोगे तो आपका चला जाएगा लाइट इफेक्ट। ये तो ऑन किया तो लाइट इफेक्ट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इफेक्ट के जाना। देखो मैं यहाँ पे क्या इफेक्ट रखा हूँ, तो इफेक्ट के पास जाना। वो इफेक्ट का नाम है इफेक्ट, देखो क्या इफेक्ट है यहाँ पे। इफेक्ट चला आप आर्ट्स करते हैं, मैं ये वाला रखा टेक्स्ट आप फॉर ये वाला रखा, तो उसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे नीचे आ जाना, वर्ड के हिसाब से रखना, वर्ड के हिसाब से रखो तो अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पे उसे थोड़ा ऑफसेट कर सकते हो, किस तरह का चाहिए, किस पोजिशन से, ये एंगल कुछ भी चाह कर सकते हो। उसको ये बड़ा रखोगे इस तरह का, उस तरह रखोगे या छोटा,
जो भी हो उसी तरह के इसे ऑन कर लेना। फिर वहाँ पे जाके, वहाँ पे जाके बड़ा करने के बाद देखो मैं एक रखा था तो इसलिए आपको पता नहीं चला, तो मैं पहले से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल इस तरह का बड़ा रखें तो यहाँ पे डायरेक्ट इतना पे आ जाना, फिर उसके बाद इसे डायरेक्ट छोटा कर देना, इसे घुमाए छोटा कर देना, किस तरह का अच्छा लगेगा तो इस तरह का अच्छा लगा तो यहाँ पे ऐसे कर देना, हो गया। बस यहाँ पे थोड़ा सा इधर जाना, इधर जाके फिर से एक बार प्ले कर लेना। अब से मेरी ज़िंदगी बहुत अलग होगी, देखो कितना यूनिक लगता है। सेम उसी तरह का सेकंड वाला लाइन भी ऐसे कर लेना, तुम नहीं होगे समझे। फिर उसके बाद सेकंड वाला लाइन ऐसे ही रखना, ठीक। कलर अगर चेंज करोगे तो ब्लैक के लिए तो अच्छा रहेगा हमेशा, एक ही टेक्स्ट को थोड़ा सा अलग अलग रख देना जैसे थोड़ा कलरफुल लगे। से मेरी ज़िंदगी बहुत अलग होगी क्योंकि उसमें तुम नहीं होगे, किस तरह का भी लगता है। देखो इस तरह लाइफ में बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो इसलिए हमेशा बनाते टाइम याद रखना कि पोजीशन के हिसाब से, फ़ोटो के हिसाब से फ़ॉन्ट किस तरह का रहने से अच्छा होगा, तो उसी हिसाब से बनाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपका लोगो वगैरह जो लगाना है लगा, और हमेशा याद रखना थंबनेल को अच्छे से बनाना। इसलिए फ़ोटो हमेशा HD में होना चाहिए, जो भी डाउनलोड करोगे तो फ़ोटो के साइड में HD फ्री डाउनलोड लिख देना इमेज, तो वहाँ पर HD में आएगा। जितना HD होगा क्लैरिटी अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ आपका जो वीडियो भी वो भी उतना ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ उसी हिसाब से देखिए और ये देख के धीरे धीरे करिए, अच्छा लगे मैं बताइए, और किस तरह का चाहिए तो मैं कमेंट में बताया तो मैं आपके लिए बना लूँगा। अभी चलता हूँ, अगर मेरे चैनल में और भी क्या बोला नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।